पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा का आया तूफान, गुस्से में आकर के ठोंक दिया तेहरा शतक और उसमें जड़ दिए 75 छक्के। यहां पर रिंकू सिंह और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे। रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इन चारों बल्लेबाजों के आगे पानी भरते हुए नजर आए, जिसमें सुमन गिल और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, विकेटकीपर केएल राहुल जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। जहां पर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने तो विराट कोहली और रिंकू सिंह की जोड़ी ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के घातक विस्फोटक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूरा का पूरा हाईलाइट रोमांचक आप लोगों को मुकाबला दिखाने जा रहे हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया। जहां पर भारतीय टीम की तरफ से सबसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर पड़े। जहां पर रोहित शर्मा ने काफी शानदार तरीके से शुरुआत की, पहले ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा दिया और 31 रन ठोक डाले। जहां पर दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने दो चौके और दो छक्के लगातार जड़े। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। इन दोनों लोगों की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब कहर बरसाया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से नया रिकॉर्ड बना। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल काफी खुकार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। इन दोनों की जोड़ी ने ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी की, छक्के पर छक्के और चौके पर चौके जड़ रहे थे। यहां पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने खड़े होकर के रोहित शर्मा को सलाम ठोका। जहां पर आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाऊंगा कि उन्होंने बयान में आखिरकार क्या कहा है और हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान ने आखिरकार बयान में भावुक होकर के रोहित शर्मा रिंकू सिंह के लिए जो बयान दिए हैं उसको सुनकर तो आपके पैरों के तले जमीन ही खसक जाएगी। आप सभी को लाइव हाईलाइट मुकाबला दिखाने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज आउट हो गए। जहां पर यशस्वी जायसवाल आउट हुए, शुभमन गिल आए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। जहां पर बल्लेबाजी कर रहे घातक विस्फोटक तरीके से सुमन गिल इस बार भी इस मुकाबले में फ्लॉप रहे। आप सभी को बता दें कि सुमन गिल ने सिर्फ महज 31 रन बना पाए और सुमन गिल कैच आउट का सामना कर बैठे। फिर विराट कोहली जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आए रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। विराट कोहली काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से एक नया इतिहास रच दिया। जहां पर विराट कोहली ने आप सभी को बता दूं 21वें ओवर के 6 गेंदों पर 6 छक्के लगातार जड़ दिए। जहां पर 22वें ओवर में रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़े। बिल्कुल मैं आप सभी को बता दूं कि ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है। आप सभी को बता दें कि ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें पहला टेस्ट मुकाबला किसी भी हाल में जीतना था और यहां पर जो है वर्ल्ड कप की हार का बदला हर एक देश से लेना था। जहां पर साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और जहां पर ऑस्ट्रेलिया से ले चुके थे T20 ODI में, लेकिन यहां पर जो है टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ जो है जीतना था हर किसी हाल में। तो यहां पर रोहित शर्मा घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया और इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की कि हर एक गेंदबाज के पर खच्चे उड़ाने लगे। रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें 32वें ओवर की 4थी बॉल पर जब रोहित शर्मा आउट हुए तो श्रेयस अय्यर मैदान पर आए यहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए। जहां पर श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करना शुरू किया, लेकिन मैच 14 ही रन बना पाए। श्रेयस अय्यर भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 21 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन जो बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए उसने तो तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और हर एक गेंदबाज के पर कच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही छक्के चौके से बात की, हर एक गेंदबाज को जो है पसीने से नहला दिया। हर एक गेंदबाज यानी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को कुछ समझ इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये रिंकू सिंह खेल रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि हर एक गेंदबाज के पर खच्चे उड़ा दिए। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कोई कसर नहीं छोड़ी और छक्के पर छक्के और चौके पर चौके जड़ दिए। जहां पर युवराज सिंह का एक बार नहीं बल्कि 10 बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि यहां पर जो है ज्यादातर रिंकू सिंह छक्के छक्के ही जड़ रहे थे और रन काफी कम ले रहे थे।
रिंकू सिंह के घातक विस्फोटक बल्लेबाजी और विराट कोहली के घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। 237 रनों की नाबाद फहरी तो रोहित शर्मा ही खेल गए थे, जहां पर विराट कोहली ने भी 272 रन ठोक दिए। जहां पर अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने इतने छक्के इतने चौके जड़े कि मैदान पर सनसनी दिखा गई और इंग्लैंड के गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को पहला मुकाबला हारना पड़ा। जहां पर 41 ओवर तक बुमराह सिराज जडेजा ने पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर दिया। लेकिन इनके बीच वार्म अप मैच खेला गया, इस मुकाबले में जीत पाई है और हम चाहते हैं कि आज भी जीत हमारी भारतीय टीम करेगी, क्योंकि आज 25 जनवरी को रियल मुकाबला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।